गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सॉरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स. माय नेम उमेश आसरी एंड वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर कोरोना, बट स्टिल आई एम डूइंग फॉर माय स्टूडेंट्स 11 12th कंप्यूटर साइंस. मैं 11 12th कंप्यूटर साइंस का जो कंप्लीट कोर्स है पाइथन का, सीबीएसई में चलता है, वो कंप्लीट करूँगा. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, तो पहला बता, व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ सीक्वेंस दैट गाइड द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क, दैट इज द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम हुआ क्या कि जो सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, वो क्या कहलाता है, एक सीक्वेंस में अगर हम लिखे और किसी चीज़ को गाइड करता हो किसी टास्क को सोल्व करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम. नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग. व्हाट इज प्रोग्रामिंग? तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोसेस होता है राइटिंग, यानी कि प्रोग्राम का कोड लिखने का, वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग. अब नेक्स्ट है हु डेवलप पाइथन. तो पाइथन को डेवलप करने वाला का नाम था ग्यूडो वैन रोसेम. ग्यूडो वैन रोसेम. नाउ फीचर्स ऑफ पाइथन, अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ पाइथन, तो पाइथन के फीचर्स क्या है, ईजी है, एक्सप्रेसिव है, फ्रीली अवेलेबल है ओपन सोर्स पर, सबसे बड़ी बात, पोर्टेबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल लैंग्वेज है, एक्सटेंजिबल है, अन इम्बेडेबल है. उसके साथ इंटरप्रेटेड है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है. इसकी जो लाइब्रेरी बहुत वास्ट है, सी, सी शार्प, जावा, सन, जेसन, मैटप्लॉट, साइकेट, साईफाई, इसके अंदर इतनी सारी लाइब्रेरी कि हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं. ये एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों तरह की प्रोग्रामिंग में काम में ली जाती है. डायनामिकली टाइप्ड है, यानी कि हर कोई सी भी चीज़. तो इट इज़ प्रोसेस एट रन टाइम, यानी कि ये प्रोसेस तो होता है रन टाइम, बट जो इंटरप्रेटर होता है वो, उसको नीड नहीं होती है आपको, आपका प्रोग्रामर प्रोग्राम कंपाइल करने की एग्जीक्यूशन के पहले. यानी कि इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है कि अगर आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया तो आपको पहले कंपाइल करने की नीड नहीं है. इट टेक्स लेस टाइम टू डेवलप प्रोग्राम्स, यानी किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए बहुत कम टाइम लेती है. जीयूआई को सपोर्ट करती है. पाइथन यूजेस बहुत साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ पाइथन. तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि इट कैन रन एनी प्लेटफॉर्म, यूनिक्स, मैकिंटोश, विंडोज, लिनक्स एंड एंड्रॉयड आल्सो वी कैन रन, नॉट इशू. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हायर प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स यू राइट लेस एंड गेट मोर डन, यानी आप थोड़ा लिखने पर बहुत ज़्यादा डन कर चुके होते हो. जीयूआई प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है. टी किंटर हम यूज कर सकते हैं थोनी ऐप के थ्रू, पाइचर्म के थ्रू, एनाकोंडा के थ्रू हम इसमें यूज कर सकते हैं. सिंटेक्स हाईलाइटिंग, इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि ये जो इनपुट, आउटपुट और एरर के मैसेज को डिफरेंट कलर कोड में शो करता है. अब इसकी, अब हम बात करें बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल की, तो इसमें एक एडिटर आता है, कमांड लाइन, जिसके थ्रू कमांड में प्रोग्रामिंग की जाती है. अब प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट कमांड से क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, आपने देखा. फिर मैंने लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास, सॉरी वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास, तो ये हो गया. अब टू वैल्यूज को मेरे को टोटल करना है, माइनस टू इंटू थ्री, दैट इज द कंडीशन वी कैन पुट, सो यू कैन जस्ट बोर्ड मास नियम इट विल फॉलो. तो व्हाट इज द आंसर, टू थ्री जा सिक्स, टेन माइनस, अकॉर्डिंग टू फोर आंसर. नाउ वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस, वी गेट द आंसर. पाई मल्टीप्लीकेशंस वी कैन डन, प्रिंट मल्टीपल वैल्यू यू कैन प्रिंट, 40, 50, एनी वैल्यू यू कैन प्रिंट मल्टीपल.
तो व्हाट इज द एरर? मिसिंग पैरेंथेसिस. अकॉर्डिंग टू पाइथन 3 वी नीड पैरेंथेसिस, एंड पाइथन 2 वी डोंट नीड टू पैरेंथेसिस. सो यू गॉट द आंसर. नाउ प्रिंट 10, 20, 30. तो सेपरेटर का यूज हम क्यों करते हैं? वाई वी यूज सेपरेटर? सेपरेटर करता क्या है कि डिफॉल्ट स्पेस, जो स्पेस होता है वो डिफॉल्ट सेपरेटर होता है. लेकिन यहाँ पर अगर हमें इन 10, 20 और 30 के बीच में कोई स्पेशल करेक्टर्स ऐड करना है, या हम कहते हैं इसके बीच में हमें कोमा ऐड कर देना है, कोमा की जगह मुझे डैश कोमा डैश इस तरह की वैल्यू ऐड कर देनी है, तो क्या हो जाएगा? ये स्पेस सेपरेटर जो कि स्पेस यूज करेगा. आपने देखा वो स्पेस जो मैंने दिया था वो यूज करेगा. अब इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि प्रिंट 10, 20, 30, 40, 50 मैंने लिख दिया, उसके बाद सेपरेटर मैंने लिखा और डबल कोट में हाइपन के साथ स्टार लग गया, तो अब ईच करेक्टर वैल्यू है जैसे 10 और 20, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 कोमा की जगह स्टार वाला ऑपरेटर यहाँ पर यूज आ जाएगा. तो ये रिपीटेशन करता है, रेप्लिकेट करता है. गॉट इट? अब आपको न्यू लाइन में लिखना हो तो अगर आपको एक और सेपरेटर यूज करना है कि 10, 20, 30, 40, 50. अब नाउ मुझे एक सेपरेटर लगाना है कि एवरीथिंग शुड बी डन बाय न्यू लाइन. तो हर एक पॉइंट के बाद एक न्यू लाइन आ जाएगा. जस्ट यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. तो यू गोट द न्यू लाइन. ओके, नाउ अगर मुझे इसमें टेबल का स्पेस देना हो, क्या देना हो? एक टेबुलर स्पेस देना हो, मतलब टेप साइज स्पेस जो कि हम एमएस वर्ड में भी देते हैं, तो सेपरेटर शुड आई यूज एंड लेस स्लैश फॉर टी. तो इससे क्या होगा, एक जो टेप डिफॉल्ट सेट है उतना स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा. आप देखिएगा जब मैं आउटपुट दूंगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट में इतना स्पेस क्रिएट हो गया. मैं स्ट्रिंग वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ. बेसिक, जस्ट आई एम शोइंग द बेसिक प्रिंट कमांड ओनली, नॉट मोर देन इनफ. प्रिंट स्ट्रिंग में मैंने लिखा यहाँ पे काउ एप्पल केट एनिमल. तो वाट एवर आई राइट जस्ट इट विल बी डिस्प्ले, एंड आई कैन यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेटर नेक्स्ट, बट फर्स्ट आई शो यू वॉट इज अ प्रिंट. यू कैन सी दैट काओ एप्पल केट कोमा इज नॉट प्रिंटेड. सो वाट शुड आई डू? आई जस्ट प्रेस द थिंग्स एंड यूज द सेपरेटर. सेपरेटर विच सेपरेटर? फर्स्ट सेपरेटर इज अ कोमा सेपरेटर. नाउ अनादर इज एंड. एंड इज द की वर्ड. वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स. सो यू कैन सी दैट द आउटपुट वॉट विल बी द शो. ओके, तो दीज आर द एप्पल केट एंड आफ्टर थ्री फुल एक्सक्लेमेशन साइन यू कैन सी दैट आउटपुट, यानी कि एंडिंग पोजिशंस. सो सपोज इफ यू वॉन्ट टू राइट अ क्वेश्चन प्रिंट वॉट आर यू डूइंग, सो वी कैन एड थ्रू द सेपरेटर. नो सेपरेटर, सी एंड लाइन, एंड इज गोज टू सेपरेटर. सो वॉट यू कैन सी दैट अ क्वेश्चन मार्क इज देयर. ओके, सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड एंड पैरामीटर. एंड पैरामीटर तो
तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन होता है एंड पैरामीटर का, मैं आपको बता दूं। इफ यू हैव सी फंक्शन प्रिंट, सॉरी, पाइथन प्रिंट फंक्शंस कम्स विद अ पैरामीटर कॉल्ड एंड, यानी कि पाइथन प्रिंट कमांड के साथ जब एक पैरामीटर जोड़ा जाता है तो वो एंड कमांड कहलाता है, एंड फंक्शन कहलाता है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टैंड वाट आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू, कि हाउ कैन वी यूज़ पाइथन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट कमांड वी कैन यूज़ इन पाइथन। फर्स्ट आई जस्ट इंसर्ट द रो, प्रिंट हेलो हाउ आर यू, दिस इज माई फर्स्ट प्रिंट कमांड। सेकेंड, वाट आर यू डूइंग, आई कैन पुट आल्सो हियर, नॉट इश्यू। वेयर आर यू फ्रॉम, थ्री नंबर ऑफ लाइन्स वी कैन एड, नॉट इशू। वी कैन जनरेट अ नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ प्रिंट एट अ सिंगल लाइन में, हम नंबर ऑफ, एक ही कमांड में नंबर ऑफ प्रिंट कमांड हम लगा सकते हैं। और इसका जो एक्सटेंशन होगा फाइल का, पाइथन प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन कोड इज डॉट पी वाई, दैट मीन्स आप जो भी फाइल सेव करोगे उसका नाम होगा, जैसे कि ट्राई डॉट पी वाई, इस तरह का एक एक्सटेंशन होगा पाइथन का जिसके नाम से आप उसे सेव कर सकते हो। ओके, सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग? और पाइथन को एग्जिट करने के लिए हमें एग्जिट कमांड यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। मैं बेसिकली एनाकोंडा एडिटर पर बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ें बताई आपको। अब इसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, कि मेरा पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर बन रहा है, वॉट इज पाइथन? तो पाइथन है क्या? पाइथन जो है वो है क्या? आंसर आ जाएगा, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक तरह का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि क्या करता है, इंटरप्रेटेड डायनामिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सपोर्ट GUI। तो इट्स कॉल्ड अ पाइथन, यानी कि सपोर्ट GUI, इट्स कॉल्ड अ पाइथन। ये एक छोटा सा है। अब वाई इज पाइथन इंटरप्रेटेड? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि नो नीड टू कंपाइल बिफोर एग्जीक्यूट। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एनी वन फीचर ऑफ पाइथन लाइब्रेरी तो सिंपल सा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबली, ये इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमने बेसिक चीज़ें कर ली। इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि आप कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें। सी
ओके, प्रिंट अ नंबर पैटर्न यूजिंग अ फोर लूप एंड रेंज फंक्शंस, ये बीच में आएंगे लेकिन थोड़ा सा मजा आ जाए प्रोग्रामिंग में, उसके लिए बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रिंट, मुझे 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले फोर लूप लगाऊंगा। तो फोर लगाने का तरीका क्या है, फोर नंबर इन अ रेंज। अब रेंज में मैंने क्या दे दिया, 10, यानी कि जितने नंबर, और कोलन। फिर जैसे ही मैं एंटर दूंगा ऑटोमेटिक इंडेंट ये लेगा, फॉर आई इन रेंज नंबर, फिर कॉलन, यानी कि जब जब मैं इफ, फॉर, व्हाइल या जो भी ऐसी स्टेटमेंट है जो फंक्शनिंग करती है उसको मैं यूज करूँगा, उसको मैं कोलन से स्टॉप करूँगा क्योंकि मुझे उसके आगे भी कुछ लेना। फिर प्रिंट कर दिया नंबर और ये स्पेस और एंड एंड प्रिंट लाइन। नाउ उसके बाद मैंने क्या, प्रिंट लाइन आफ्टर ईच रो टू डिस्प्ले पैटर्न कर, और प्रिंट कर दिया। जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो मैं आउटपुट में देखिएगा आप, एक ट्राइंगल प्रिंट होगा 90 डिग्री का। देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8, 9 तक ये ट्राइंगल प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ, आपने ये ट्राइंगल देखा कि रो फर्स्ट जो रूप लूप है मेरा, वो मैंने लगाया है रो प्रिंट, रो डेटा प्रिंट, और जो सेकंड कॉलम है वो मैंने लगाया है कॉलम डेटा प्रिंटिंग के लिए। तो रो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9, कॉलम मतलब 1 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो इस साइड पे ये अपना आप इस यहाँ पे क्या करा, स्पेस प्रिंट करता जाता है, यानी कि 1 के बाद नंबर ऑफ स्पेस, एक स्क्वायर बनता है लेकिन एक स्पेस प्रिंट होता जाता है। अब आपने देखा ये आउटपुट मेरा जो आ रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको स्टार में भी प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे, कि मुझे नंबर की जगह क्या लिखना है, सिर्फ डबल क्लोट में, सॉरी, ये नंबर को हटा के मैं क्या कर दूंगा, स्टार यहाँ पर पैटर्न लगा दूंगा और एक कोमा लगा दूंगा। उसके बाद देखिएगा ये सारे जो नंबर्स हैं वो 10 की फॉर्म में स्टार में प्रिंट हो जाएंगे। यू कैन सी दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टार। ओके फ्रेंड्स, तो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? पैटर्न प्रोग्रामिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका लॉजिक डेवलप होगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें, वो आता है पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, यानी कि पाइथन की प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्या क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है आपके पाइथन शेल। पाइथन शेल एक तरह का स्क्रिप्टिक लैंग्वेज होता है जो शेल प्रोग्रामिंग के लिए काम में आता है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड टाइप्स। अब फ्रेंड्स, वेरिएबल्स के बारे में आपको बता दूं, वेरिएबल्स होता क्या है एक्चुअल में, वेरिएबल्स इज गोज टू अ वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि एग्जीक्यूट जब प्रोग्राम हो रहा था होता है उस वक्त वैल्यू को हम चेंज करते हैं, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, अब उसमें आउटपुट देख रहे हैं, तो उस आउटपुट में जो वैल्यूज चेंजेस हम अपने आप करते हैं वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, सिंपल सा। और एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके साथ आ जाता है कि वेरिएबल्स करता क्या है एक्चुअल में। तो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल प्रोवाइड अ वे टू एसोसिएट्स नेम्स विद, यानी कि वेरिएबल्स क्या करता है कि वैल्यू को चेंज करता है, लेकिन वेरिएबल प्रोवाइड क्या करता है, नेम्स विद ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नेम के साथ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है। अब अगर मैं इसमें छोटा सा आपको एक कंसेप्ट बताऊं वेरिएबल्स में, कि व्हाट इज़ द वेरिएबल यूज़ ऑफ। सपोज करो कि एक्स एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी है,
ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ, सपोज मैंने क्या एक्स लिख दिया और एक्स को दे दिया मैंने 10 और इसके नीचे एक्स लिख दिया, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी 10। फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एक्स को मैंने यहाँ लिखा, मैं क्या कर दूँगा प्रिंट एक्स, यानी कि वो वैल्यू भी सही है और ये भी सही है, दैट इज़ द आउटपुट सेम। तो प्रिंट कमांड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है वो उस जगह, क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि कौन सा किस वैल्यू में और किस टाइप का है। गॉट इट? अब एक छोटी सी बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक्स की वैल्यू मैंने सपोज 3 दे दी, वाई की मैंने दे दी 4, फिर जेड इज गोज टू मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई, और जेड इज गोज टू मैंने कर दिया एक्स प्लस वन, सॉरी जेड इज गोज टू मैंने कर दिया जेड प्लस वन, एंड एक्स इज गोज टू मैंने कर दिया वाई, एंड वाई इज गोज टू मैंने कर दिया 5। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन, कि एक्स की वैल्यू मैंने पहले 3 दी, फिर वाई की 4 दी, फिर जेड को मैंने एक्स इजकोस टू जेड इजकोस टू एक्स प्लस वाई कर दिया, एंड जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 कर दिया, देन एक्स इजकोस टू वाई कर दिया, और वाई इजकोस टू 5 कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या क्या होगा, तो मुझे इसमें प्रिंट कमांड लिखना होगा, और प्रिंट कमांड से बताना होगा कि एक्स इज, यानी एक्स क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमांड इज वाई इज, देन वाई, नाउ नेक्स्ट कमांड इज जेड इज कोमा जेड। तो मैंने तीनों डेटा प्रिंट कर दिया, तो अब ये तीनों की वैल्यू बताएगा, एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है, जेड की कितनी है। यू कैन सी द आउटपुट, एक्स इज गोस टू 4, यानी कि क्या बोल रहा है, एक्स इज गोस टू 4, जबकि मैंने एक्स की वैल्यू क्या दी थी 3, लेकिन मैंने वाई की 4 दी थी, लेकिन मैंने क्या किया कि एक्स इज गोस टू वाई, यानी एक्स किसके बराबर कर दिया, वाई के, तो वाई की वैल्यू कितनी 4 आ गई। अब वाई इज गोस टू 5, वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो जेड में क्या है, तो वाई की वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है मेरी 5, तो वो रिप्लेस कर देगा। नाउ जेड की एड कैसे हुई, देखो जेड इज गोज टू एक्स प्लस वाई कितना हुआ 7, और जेड इज गोज टू जेड प्लस 1, तो 7 प्लस 1 8। तो पाइथन कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि करना क्या है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन रिकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, आपको पाइथन का ये डेटा लगा कैसे, 11-12 पाइथन में कंप्लीट पूरा पढ़ाऊंगा आपको विद प्रोजेक्ट, अगर आपने चाहा, अगर मुझे आप लोगों का प्यार मिला तो प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा। एक छोटा सा और टॉपिक बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग बाय बाय कहेंगे। आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल या ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मुझे आइडेंटिटी या वेरिएबल्स अगर चेक करना है कि ये किस तरह का है। एक्स इज गोज टू मैंने किया 10, अब मैं क्या करूँगा कि आईडी ऑफ एक्स, नाउ वी कैन सी दैट आउटपुट आईडी ऑफ एक्स। तो एक्स का जो मेमोरी एड्रेस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं टाइप ऑफ एक्स, तो आपको बता देगा कि इंटीजर टाइप का है। अगर सपोज मैंने लिखा कि एक्स इज गोज टू हेलो, सो सॉरी ओके, नाउ आफ्टर डेट यू कैन देट आउटपुट आईडी हो गया मेरा एक्स, एंड टाइप हो गया मेरा एक्स, सो वी कैन सी दैट द आउटपुट ऑफ द थिंग्स। हाँ वेट 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 वेट, क्योंकि एक साथ नहीं लेगा, क्योंकि मल्टीपल आउटपुट आ जाएंगे। आईडी हेलो की आ गई, अगर मैं इसको टाइप करता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया, यानी कि इसने ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया कि कौन सा इंटीजर है और कौन सा स्ट्रिंग
ये मैंने इसको डिनोट नहीं किया, तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। अब बात करें हम इसके टाइप ऑफ वेरिएबल, अगर हम इसके टाइप ऑफ वेरिएबल की बात करें या ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो पहला कंसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, नंबर टाइप। फर्स्ट वन क्या आएगा, नंबर। नंबर डाटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को ये स्टोर करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है पहली चीज। दूसरा, अगर हम बात करें इंट कैटेगरी में, तो ये क्या करेगा, इंटीजर रिप्रेजेंट होल नंबर्स फ्रैक्शनल, यानी कि इसकी सबसे बड़ी क्या बात है कि ये ओनली पूरे नंबर को लेगा, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हुआ पॉइंट में या डिवाइड अलग सा वो ही चीज़ नहीं लेगा, यानी कि नंबर तो एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इंटीजर पार्ट। ओके, अब इसी तरह इस कड़ी में आता है फ्लोट। फ्लोट होता क्या है, जहाँ पर फ्लोटिंग नंबर्स आते हो, यानी कि डिनोट रियल नंबर्स। नंबर्स एग्जाम्पल की बात करें तो 2.5, 3.46, दीज आर द रियल नंबर्स। -3, 2.6, तो इस तरह का जो है रियल नंबर ये आपको देगा। उसके बाद इसमें आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसा नंबर जो कि कॉम्प्लेक्स ले, यानी कि जो कहते हैं ना कि मैड अप ऑफ PAIRS, पेयर्स, यानी कि जो पेयर्स में बना हो, जोड़े में बना हो। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात कर दूँ आपको कि एक्स प्लस वाई जे फर्स्ट नंबर हो गया, दूसरा नंबर हम ले लें या फिर इस तरह का, और एक्स प्लस वाई जे, यानी कि ये कैपिटल जे हो गया। सो यू कैन सी दैट दिस आर द कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पेयर में आपको मिलेंगे। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा आपको आउटपुट दूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर में करना क्या है, एक छोटा सा आउटपुट दिखाता हूँ कि एक्स इजगोस टू टू प्लस 5J। तो जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करूँगा इसको, तो एक्स डॉट रियल एंड एक्स डॉट IMAG, एक तो हो गया रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर, मैंने दो नंबर से प्रिंट किया। तो आउटपुट देखोगे 5.0 रियल में ये आ गया, ये आ गया। लेकिन अगर मुझे इसका आउटपुट डायरेक्ट देखना हो, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक प्रोग्राम और थोड़ा सा दोहराना पड़ेगा कि मुझे करना क्या पड़ेगा। तो मैं वाई की वैल्यू लूँगा, वाई इजिक्वल्स टू 4 -2J। ओके, नाउ प्रिंट एक्स डॉट रियल कॉमा वाई डॉट रियल कॉमा वाई डॉट IMAG इमेजनरी नंबर्स।
नाउ वी कैन सी दैट द आउटपुट दैट इज द माइनस सेम प्रिंटिंग नो चेंजेस. नाउ व्हाट विल द नेक्स्ट जेड इज गोज टू एक्स प्लस वाई. नाउ प्रिंट जेड यू कैन सी दैट कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 3j यानी कि फर्स्ट टाइम आई हैव 5j दिस इज द 2j तो 5j माइनस हो गया 2j से तो कितना बचा 3j एंड 2 + 4 = 6 दैट इज द आंसर. दीज आर द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. नाउ स्ट्रिंग थैंक यू गाइज स्ट्रिंग विल टीच टुमारो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. विल सी नेक्स्ट टाइम आई होप.